नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में 21,391 सिपाहियों की भर्ती के लिए पिछले साल परीक्षा ली गई, लेकिन पेपर लीक के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया। मामले की जांच ईओयू कर रही है। और बता दें आपको, हमने ही कल आपको खबर बताया था कि कल दोपहर में ईओयू की टीम, जिसमें एडिशनल एसपी डीएसपी शामिल थे, वो कल केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के दोनों कार्यालयों में पहुंचे और वहां पर छापेमारी शुरू कर दी। आपको बता दें कि पूर्व अध्यक्ष एसके सिंगल के दफ्तर की भी तलाशी ली गई, एविडेंस इकट्ठे किए गए, और अगर कुछ उनके खिलाफ सबूत मिलते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। आज के समाचार पत्रों में ये सूचना जो है वो दी गई है। इसमें आपको हम सबसे पहले बता दें कि इसमें दिया गया है भास्कर, दैनिक भास्कर पेपर में, कि पूर्व अध्यक्ष सिंघल के चैंबर तक पहुंची ईओयू की टीम, साक्ष्य मिले तो गिरफ्तारी संभव। इसमें दिया गया है कि बिहार में सिपाही बहाली के प्रश्न पत्र लीक मामले में केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के पूर्व अध्यक्ष एसके सिंघल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुराग की तलाश में आर्थिक अपराध इकाई गुरुवार को एसके सिंघल के चैंबर तक पहुंच गई, अध्यक्ष के चैंबर और गोपनीय कक्ष की अलमारियों की तलाशी ली। अब माना जा रहा है कि सिंघल के विरुद्ध ठोस साक्ष्य मिले तो उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। सिंघल के चैंबर तक ईओयू का पहुंचना आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई के संकेत हैं। आपको बता दें कि पेपर में दिया गया है कि सिंघल पर कार्रवाई क्यों। पेपर लीक के बाद सरकार ने एसके सिंघल को पर्षद के अध्यक्ष पद से तब हटाया जब ईओयू 3 माह की जांच पूरी कर चुकी थी। सिंघल का कार्यकाल 2 साल बचा था। दूसरा इसमें है कि ईओयू ने 5 महीने की तफ्तीश के बाद सिंघल के चैंबर की तलाशी ली है। सिंघल ने पेपर लीक से इनकार किया था, जबकि ईओयू ने इसकी पुष्टि कर जांच शुरू कर दी थी। तीसरा है कि मामले के तार पश्चिम बंगाल के एक प्रिंटिंग प्रेस मालिक से जुड़े होने की बात है, जिसका कनेक्शन पर्षद से बताया जा रहा है। और ईओयू ने अध्यक्ष के चैंबर की तलाशी बेवजह नहीं दी, तो ये तो बताया जा रहा है कि जो अध्यक्ष है उनके चैंबर में जो है पूरी ईओयू का दबिश जो है वो बढ़ा। इसके अलावा बता दें आपके हम कि सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के नए और पुराने कार्यालय में गुरुवार को सुबह 11 बजे छापेमारी की। छापेमारी के लिए एजेंसी ने कोर्ट से वारंट लिया, फिर दबिश दी। ईओयू की 20 सदस्यीय दो टीम ने कार्यालय के रजिस्टर दस्तावेज और कंप्यूटर के हार्डवेयर की जांच के बाद कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। संदिग्ध कर्मचारियों के मोबाइल की भी जांच की। जब्त कागजात में अभ्यर्थियों के रोल नंबर, केंद्रों की संख्या, केंद्र पर नियुक्त कर्मचारी, अभ्यर्थियों के विवरण, कर्मचारियों के विवरण सहित अन्य रिकॉर्ड हैं। जांच टीम ने 1 दर्जन कर्मचारियों से पूछताछ भी की, जिसमें पेपर के रखरखाव से जुड़े कर्मचारी प्रमुख थे। दरअसल केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती से संबंधित पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई लगभग 74 मामलों की जांच कर रही है। जांच के दौरान 120 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि पूर्व जो अध्यक्ष हैं एसके सिंघल, उनको पद से हटाया गया। इसके बाद 26 दिसंबर 2023 को होमगार्ड की डीजी शोभा ओहटकर को पर्षद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। 6 मार्च 2024 को उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। नए अध्यक्ष के तौर पर सीआईडी के एडीजी जितेंद्र कुमार की नियुक्ति की गई है। शोभा ओहटकर कुल 70 दिनों तक वहां रही। ओहटकर के अध्यक्ष पद से हटने के ठीक एक दिन बाद 7 मार्च को ईओयू ने पर्षद कार्यालय पर छापेमारी कर दी। ईओयू के सूत्रों के अनुसार पर्षद के हर चैंबर और सेक्शन में तलाशी चल रही है। जो चर्चा है कि सिंघल को हटाने के बाद होमगार्ड की डीजी शोभा ओहटकर को जब पर्षद का अध्यक्ष बनाया गया तो उन्हें भी प्रभार ग्रहण करने के बाद फाइलें नहीं दी गई थी। इस मामले में गृह विभाग के अवर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ को जानकारी दी गई थी। पूछने पर एस सिद्धार्थ ने कहा कि उन्हें शोभा ओहटकर का पत्र मिला था, लेकिन उसमें उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि उनकी व्यस्तता अधिक है। इसके बाद उन्हें वहां से प्रभार मुक्त करते हुए एडीजी को अध्यक्ष बनाया गया। बताया जा रहा है कि ईओयू की इस कार्रवाई के पहले पर्षद के कुछ कर्मियों से भी जरूरी फाइलों के बाबत पूछताछ की गई थी। ईओयू को हर उस फाइल की तलाश है जिसका सीधा कनेक्शन सिपाही भर्ती से जुड़ा हुआ है। तो आपको बता दें, प्रभार ग्रहण करने के बाद
कुछ फाइलें शोभा ओहटकर को भी नहीं दी गई थी, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसी कारण जो है वो फाइलें नहीं दी गई थी। और 5 महीने बाद ही सही, लेकिन ईओयू की टीम जो है वो सिपाही भर्ती के ऑफिस पर धावा बोली कल, और एसके सिंगल साहब के ऑफिस तक की जो दफ्तर है, चैम्बर है, उस तक भी जांच की गई और अलमारियों से फाइलें निकालकर ईओयू की टीम अपने साथ लेके गई है। तो देखिए, इस मामले में आपको हम बता दें कि बहुत बड़ा कुछ ना कुछ कार्रवाई होने वाला है, क्योंकि 5 महीने तक ये जांच चल रहा है और एक्टिव है ईओयू, तो बहुत बड़ा इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई होने वाला है। अब देखिए क्या होता है, किस पर गाज गिरता है, लेकिन इतना तय है कि सिपाही भर्ती जो बोर्ड है उसके कुछ कर्मचारी या अधिकारियों की संलिप्तता इनमें सामने आ सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।